Hey guys, I hope you like this video. Don't forget to like, share, comment down below. Hey guys, we hope you like this video. Hey guys, hey guys, hey guys, hey guys, hey guys. Hey guys. Ankit Madaan is here and he is founder of Hasley India and many other channels. Currently he is running this influencer marketing company and yeah, Ankit is doing so many things. So basically Ankit kya karte hain, jo sare creators you see na YouTube pe and say TikTok or any other channel. So un creators ko Ankit get them business, right? Business and growth and ek strategy that किस टाइप का कंटेंट बनाना है, क्या करना है और ओसो एवरीथिंग या मतलब विद फ्यू क्रिएटर्स जिनसे हमें ज्यादा बिजनेस आता है तो हम उनकी पीआर भी करते हैं. ओके, दैट्स लाइक मोर लाइक नॉट जस्ट आस्किंग देम टू क्रिएट कंटेंट बट टू क्रिएट कंटेंट इन अ वे दैट दे डोंट लैंड अप फेमस लाइक राखी सावंत बट लाइक शाहरुख खान और सम अदर फेमस गुड सेलिब्रिटी लाइक इन अ गुड वे. ऑलराइट, या Another thing about Ankit is इस लड़के के पास कोई डिग्री नहीं है. नहीं है ना मेरे पास, मैं इट्स सो द जोश टॉक गाइस लाइक उन्होंने मेरा आधा काट दिया. आई एम लाइक आई हैड अ जर्नलिज्म का प्रॉपर डिग्री. अच्छा, मैं एमबीए ड्रॉप आउट. उन्होंने कॉलेज उन्होंने क्लिकबेट करने के लिए कॉलेज ड्रॉप आउट लिख दिया. ओके, आई डिड माय जर्नलिज्म फ्रॉम आईपी यूनिवर्सिटी. आई लाइक अच्छे से 75-80 एग्रीगेट से, तो वो है डिग्री है मेरे पास. मैं एमबीए बीच में छोड़ी है. तो जब मैं एमबीए कर रहा था तो मैंने एक जॉब ज्वाइन करी. ड्राइव करके जाता था तो प्रैक्टिकली 20,000 रुपए का मेरा पेट्रोल लगता था. ओके, सो द जॉब वाज नॉट टू एक्चुअली मेक मनी और सी क्रिएट समथिंग. इट वाज मोर लाइक लर्निंग बिकॉज दैट वाज माय फर्स्ट जॉब एंड दैट वाज रियली स्पेशल बिकॉज आई वाज द यंगेस्ट इन दैट ग्रुप ऑफ पीपल आई वाज वर्किंग विद एंड आई वाज द ओनली नॉन एमबीए देयर. ओके, सो दैट टाइम आई रियलाइज व्हाई द that time I realized why I was doing MBA when I have this thing, I'm doing this thing being a non-MBA. So that time I realized, यार नहीं अभी मेरे को यहाँ पे काम सीखना है और अब खुद का कुछ करना है. अच्छा, then I went to my dad and told them that मेरे को MBA नहीं करनी और मेरे को ये जॉब भी नहीं करनी, मेरे को अभी खुद का कुछ करना है. फिर जब अभी देखो 3 महीने हुए हैं तो इतना कैसे सीख गया. सो ही सेड कि एक और जॉब कर, किसी और कंपनी में कर, अगर तेको लगता है इस कंपनी से तूने सब सीख ले किसी और कंपनी में कर. फिर मैंने एक दूसरी कंपनी ज्वाइन करी, वहाँ पे ऑब्वियसली मेरी अच्छी डेजिग्नेशन थी, अच्छा हाइक था, बहुत अच्छा था, बट मेरे को करना नहीं था. तो पहली कंपनी से मैंने सीखा कि काम कैसे करना है और दूसरी कंपनी से मैंने सीखा काम कैसे नहीं करना है. तो अभी मेरे को लगा मेरा पैकेज बन गया. अब मैंने ऑफिस ले लिया और मैं वहाँ पे जाके बैठ गया. टू बी ऑनेस्ट आई हैड नो आइडिया कि मेरे को किस टाइप का बिजनेस करना है. बस मेरे को ये था कि अभी मैंने शुरू कर दिया है, अब मेरे ओवरहेड कॉस्ट बढ़ गई है लाइफ की, अब मुझे वो कवर करनी है. सो आई जस्ट ट्राइड, सो आई रेंटेड आउट दिस प्लेस. आई कॉल्ड वन ऑफ माय फ्रेंड, हम दोनों बैठते थे और हम ब्रेनस्टॉर्म करते थे बिजनेस क्या करना है. अच्छा, देन वी एंडेड अप स्टार्टिंग. ऐसे ऐसे मतलब बिजनेस को कुछ आइडिया नहीं कि क्या करना है एंड यू स्टार्टेड आउट. एक स्ट्रेटजी जो मैंने पर्सनली अपनी लाइफ में आगे तक लेकर जाया हूँ और लेकर जाऊंगा अगेन, जो ड्रॉप आउट किया वो ड्रॉप आउट इसलिए किया, ड्रॉप आउट इसलिए नहीं किया कि यार मार्क जुकरबर्ग ड्रॉप आउट है, बिल गेट्स ड्रॉप आउट है, या कूल लगने के लिए, या ड्रॉप आउट का टैग लूंगा तो ही सक्सेसफुल होऊंगा. ड्रॉप आउट इसलिए किया कि ड्रॉप आउट करना ना बहुत बड़ी एक बहुत बड़ा डिसीजन होता है. इट्स लाइक यू आर किलिंग योर चॉइसेस. सो मेरे को पता था कि मैंने ड्रॉप आउट कर लिया तो एक ग्रेजुएट के लिए अगर मैं जॉब सेक्टर में जाता तो इतना कुछ नहीं है, मेरे को बिजनेस ही करना है. सो आई किल्ड माय चॉइसेस. ऑफिस लेकर भी मैंने क्या करा, अब मैंने ऑफिस ले लिया अब तो मुझे यही करना, मुझे कुछ करना है. सो इट्स लाइक आई किल्ड माय अगेन ऑप्शंस चॉइसेस एवरीथिंग कि अब आई वांट टू डू समथिंग. वो क्या है वो मुझे ऑनेस्टली तब तक भी नहीं पता. मेट हर्ष इन 2016 आई गेस. ओके, सो वी यूज टू क्रिएट 15 सेकेंड का वाइन ऑन इंस्टाग्राम और आशीष चंचलानी भी 15 सेकेंड का वाइन बनाता था. दिस गाइस हैड अबाउट लाइक 4-5 हज़ार इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ओनली दैट टाइम एंड नॉट इवन अ यूट्यूब चैनल. आशीष का था आई गेस, हर्ष का भी था बट बहुत अर्ली स्टेज पे था. तो आई फेल्ट दैट वाई नॉट डू समथिंग टुगेदर. सो आई कॉल्ड हर्ष एट माई ऑफिस, ही केम, वी बॉन्डेड एंड दैट्स हाउ हसल इंडिया स्टार्टेड. हर्ष एंड आई स्टार्टेड, देन आफ्टर अ फ्यू मंथ्स रिशभ ज्वाइंड. And
But rest is history. Rest is history. Yeah. Started at very young age. You were like? No. Like I started after college, so probably not very young. 21, 22. बहुत कम लोगों को पता है मैंने 12th के बाद भी एक साल गैप ईयर लिया था टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली आई वांट टू डू इन माय लाइफ. तो मैं 12th आई अप्लाइड फॉर इंडियन एयरफोर्स बिकॉज आई वांटेड टू बिकम अ पायलट एज अ किड. तभी मैंने 11th 12th में साइंस ली थी. साइंस लेके जर्नलिज्म, फिर MBA, मेरा तो फिर यूट्यूब, मेरा तो सभी उल्टा पुल्टा है. सो इट्स लाइक आई अप्लाइड फॉर इंडियन एयरफोर्स बट मेरा हुआ नहीं. उन्होंने मेरे को लिया नहीं. दैट्स ओके. फिर मेरे को कहा मेरे को पायलट बनना है. सो आई अप्लाइड फॉर कमर्शियल पायलट प्रोग्राम. अच्छा. एंड वहाँ मैं गया 4-5 महीने. मैंने ग्राउंड ट्रेनिंग ली. उस टाइम पे ऐसा होता कि एयरलाइन का ना बहुत वो हो रहा था उस समय. डाउनफॉल था. हाँ. उस एग्जैक्ट टाइम पे तो मेरे को लगा कि बहुत बेकार मूव होगा अगर मैं अभी ये ट्रेनिंग लेता हूँ और वापस आता हूँ. तो वो मेरा बचपन का जो सपना था वो मैंने छोड़ा. फिर मैंने इजी ऑप्शन ढूंढा. तो मेरे एक कज़न है वो जर्नलिज्म कर रही थी. आई कॉल्ड हर कि कैसा होता है, फन होता है. मेरे को कभी ज़्यादा पढ़ने का शौक़ नहीं रहा. 12th तक रहा, उसके बाद मेरे को था कि मेरे को प्रैक्टिकल ज़्यादा करना है, कुछ ऐसे पढ़ने वाला ज़्यादा नहीं करा. माई मॉम वॉन्टेड मी टू बी एन इंजीनियर एंड आई नेवर लिसन दो. सो शी सेड इट्स कूल. सो आई टुक एडमिशन इन IP का कॉलेज, BGMC करा. 3 साल मस्त ऐश मारी. तो दैट वॉज दैट टाइम वेन आई वॉज लाइक प्रॉब्ली द एज ऑफ पीपल वॉचिंग दिस इंटरव्यू. तब तक मैंने इतना नहीं सोचा था और मैं किसी और को भी नहीं कहूँगा इतना सोचने के लिए बिकॉज शायद वो 3 साल होते हैं जब आप एक्चुअली जीते हो, उसके बाद इट्स मोर ऑफ वर्किंग एंड एक्चुअली क्रिएटिंग योर करियर. नहीं की थी. बट आपको नहीं लगता आप एक गलत वो संदेश पहुँचा रहे हैं लाइक नहीं ड्रॉप आउट कर लो एंड देन मेरे जैसे सक्सेसफुल बन जाओ? मैं ऐसा बोल ही नहीं रहा. मैं क्या कह रहा हूँ, ड्रॉप आउट करो. लेकिन मैंने जैसे मैंने बोला ड्रॉप आउट करो, बट तुम्हारे पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि तुम ड्रॉप आउट के बाद क्या करोगे. और अगर तुम्हारे अंदर इतना है कि तुम इतना रिस्क ले सकते हो कि ड्रॉप आउट भी कर लिया, ऑफिस स्पेस भी रेंट कर लिया और अब तुम्हारे ऊपर ओवरहेड है वो तुम्हें खुद पे करना है, तुम्हारे पेरेंट्स पे नहीं करेंगे, अगर तुम्हारे अंदर इतना वो रिस्क लेने वाला है तो करो. उनके एक तो पेरेंट्स नहीं मानते. क्यों नहीं मानते? नहीं मानते. लाइक मेरे पेरेंट्स, मैं उन्हें बोलूं कि यार मैं यूट्यूब स्टार्ट कर रही हूं, ऑब्वियसली दे वुड से नो. कि पेरेंट्स का क्या है, कन्वेंशनल करियर होना चाहिए. पेरेंट्स से पूछना क्या है यूट्यूब स्टार्ट करने के लिए? एक बात बताओ. Yes. YouTube फ्री है, कैमरा उठाओ, कंटेंट बनाओ. पेरेंट्स कुछ कहेंगे नहीं. बिकॉज आई नेवर आस्क माय पेरेंट्स. जब मेरे को पेरेंट्स से तभी पूछना होता है जब आपको पेरेंट्स से मॉनिटरी हेल्प चाहिए. तो yes. पैसे चाहिए तो पूछो. अगर खुद अरेंज कर सकते हो या तुम्हें लग रहा है उसमें, जैसे YouTube के लिए इनिशियली ठीक है, फॉर अस इट वॉज अ लिटल इन्वेस्टमेंट, बट फॉर पीपल लाइक ऋषभ, आशीष, इन लोगों ने खुद से करा है सारा एंड कोई पेरेंट्स से हेल्प नहीं लिया है, खुद से करा है. तो आई डोंट थिंक इट्स हार्ड एट ऑल. सो पेरेंट्स को तो यूट्यूब के लिए पूछने की जरूरत नहीं है. हाँ, बट अगर कुछ और करना है तो ऑब्वियसली पेरेंट्स समझदार होते हैं इन अ ट्रेडिशनल वे. बट अगर तुम अपने पेरेंट्स को भरोसा दिला दो दैट दे कैन ट्रस्ट यू, दे विल नेवर से नो टू यू. ऐसा फील होता है लाइक सोचा था स्टार्टिंग में यू वुड डू, यू वुड रीच लाइक दिस? ऑनेस्टली नो. आई नेवर, मतलब कभी नहीं पता था कि ऐसा होगा कुछ और ये इतना आगे तक आ जाएगा. थैंक्स टू पीपल हु वर देयर इन द स्टार्ट. आई प्रॉब्ली हैव नेवर सेड देयर नेम. सो देयर वाज दिस गाय कॉल्ड भावेश. ही वाज इन माय कॉलेज. ही हेल्प्ड अस पहली वीडियो का शूट करने में और एडिटिंग में. हर्ष विद द कॉन्सेप्ट एंड द लोकेशन. प्रतिष्ठा, अभिषेक, ऋषभ. सो एवरी वन प्रॉब्ली माई ब्रदर, माई फ्रेंड्स हु helped me, given me ideas. I like to thank all of those people who actually helped me to take this this passion kind of a thing into a actual legit business. And to be honest, if you create content on YouTube for money or for fame initially, you'll never go far. You'll have to take it as a passion. You'll have to take it as something that you really want to do, and keep doing that with time. खुद वीडियो देखेगी ट्रेंड. लास्ट थिंग फ्रॉम यू अंकित, तो अगर आज कोई बंदा कुछ स्टार्ट कर रहा है ऑनलाइन या ऑफलाइन या कुछ भी, सो व्हाट इज दैट वन बिग टिप और एडवाइस यू वुड गिव कि भाई व्हाटएवर? ओके, सो आई विल से बिफोर लाइक डूइंग एनीथिंग, एक पेपर लो, पेन लो और उस पर लिखना शुरू करो कि तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो. Like, because life is not just about working, it's about
So for me, it's not just about working, it's about experiences as well. So I'll say, ek plan banao life ka, to main life mein chahiye kya? To main kitni growth chahiye, to main kis level pe jana hai, ek vision banao, ek layout banao plan ka, tumhara interest kis kis cheezon mein, because tumhe kaam wahi karna chahiye jisme tumhara, and step by step chalo, bhago mat, na bahut slow chalo, but step by step chalo and things will fall into your place and just kill it. Thank you so much. Thank you for being on the show, Ankit. Thank you We loved taking your interview. So yeah, it was great having you here, Ankit. And we love talking to you. Aapne hame bahut sara gyan diya aaj. I love talking here as well, because as probably most of the people who watch Hasley India knows, I don't come in front of camera. Yes, so yeah. He's camera conscious. Thank you for giving me this opportunity. Thank and you. I'll do a lead video next time with Hasley. Ooh. That was a joke. So thank you so much. So this is Miss Bahugna signing off with Mr. Madaan, and hum milte hain jaldi with next expert from next profession. And yeah, see you yaar, apne sapne poore karo, jo karna hai karo. And as Ankit said, ki don't have a backup plan, because you have to focus on one and only plan. Yes. So yeah, bye.